बिहार में बिहार के जो नेता हैं, उनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको खुद सुरक्षा देनी पड़ रही है। केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा लगाई है। बिहार में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा रेलगाड़ी फूकी गई है। बिहार में नीतीश कुमार बिल्कुल नीरो की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, उनका कोई वक्तव्य नहीं है, कुछ नहीं है। बिहार में भाजपा के ही वो पार्टनर है, तो भाजपा उन पर दबाव क्यों नहीं बना पा रही है नीतीश कुमार पर, एक बात। दूसरा, जो मैं खुद समस्तीपुर से हूँ, मैं ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों का जो बता रहा है, बड़े पैमाने पर राजद के लोग इसमें शामिल हैं या कम्युनिस्ट शामिल हैं, कम्युनिस्टों का भी आ रहा है, और बड़े पैमाने पर जिनको मैं आरएसएस करता हूँ वो भी शामिल है। तो सबसे बड़ी बात है, इन सब पर कार्रवाई नीतीश कुमार को करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नेता को तो सुरक्षा दे रही है, लेकिन नीतीश पे क्यों नहीं दबाव बना पा रही है? नीतीश और भाजपा के बीच के किस तरह का कॉम्बिनेशन चल रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और ये भाजपा बिहार यूनिट और सेंट्रल यूनिट दोनों का दोष है, बड़े लंबे समय से दोष रहा है। आप देखिए कि जब इससे पहले बीच में तो नाता टूट गया था, ये लालू के साथ चले गए थे नीतीश कुमार, उससे पहले 17 साल का गठबंधन था। अब उसके बाद भी देखिए इतने साल हो गए हैं। उन 17 सालों में, पहले 17 सालों में ऐसा देखा गया था कि इनके बीच जब सीट का बंटवारा होता था तो हमेशा परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो भाजपा अपने पास जितनी सीट रखती थी उसमें से हायर परसेंटेज वो जीतती थी। और उस तुलना में जब आपस में बैठ के ये तय होता था कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, तो उनके पास, मतलब जेडीयू के पास, हमेशा बहुत बढ़िया नेगोशिएटर होते थे, जो कि टेबल के दूसरी तरफ बैठकर अपना बढ़िया सा बार्गेनिंग कर पाए। इस कारण से वहां हमेशा ये देखा गया है, एक तो बिहार में और महाराष्ट्र में बहुत मुश्किल से ये छूटा है कि शिवसेना पर, जो वहां पर एक तरह से डिपेंडेंस था, वो खत्म हुआ। लेकिन वो फिर से एक साथ भी आ गए थे, मुख्यमंत्री बनने के सवाल पे फिर से अलग हो गए। बिहार में ये नहीं हो पा रहा है। बिहार में समझना होगा कि देखिए, बहुत लंबे समय से इनका जो नाम हुआ है सुशासन बाबू या जो भी है, बिल्कुल मुझे तो बेकार आदमी लगते हैं ये, क्योंकि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि केवल ये समाजवादी नहीं है बल्कि ये इतने घोर समाजवादी हैं कि इनको लगता है कि निजी क्षेत्र से बात करने भर से भ्रष्टाचार की बात उठ जाएगी। तो बिहार के विकास के लिए न तो ये कभी किसी उद्योगपति से बात करते हैं, न किसी कंपनी से बात करते हैं, न किसी के साथ कोई, मतलब संविदा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि चलिए आप बिहार के रोड्स की देखभाल करेंगे, आप बिहार के अस्पतालों की देखभाल करेंगे, आप बिहार में अलग अलग फैक्ट्रियां लगाएंगे। इतने बरस हो गए, आज तक नीतीश के शासन में ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अब देखिए, ये जो है इफ्तार भी मनाने चले जाते हैं राजद के लोगों के साथ, और जो अग्निपथ पर है सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण तेजस्वी यादव दे रहा है। तो ये तो भाजपा को सोचना पड़ेगा कि ना तो उसके अपने लिए अच्छा हो रहा है, ना बिहार के लिए अच्छा हो रहा है कि वो जेडीयू के साथ चिपका रहे, क्योंकि वाई कैटेगरी सिक्योरिटी 10-10 नेताओं को क्यों देनी पड़े? बिहार पुलिस पर्याप्त नहीं थी क्या? वाई कैटेगरी का मतलब होता है कि सीआरपीएफ का जवान आके आपको प्रोटेक्ट करेगा, अर्थात आपका भरोसा उठ गया है। आप जिसके साथ गठबंधन में हैं उसी की पुलिस पर आपका भरोसा उठ गया है, तो इस तरह से गठबंधन को चलाने का मतलब क्या होता है?